हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं ना अपने मौसा के घर आई हूँ और मैं अपने भाभी से मिलवाऊंगी। इतने अच्छे तरीके से सबने मिलके पौधों को लगाया हुआ है और मेंटेन किया हुआ है, वो आपको बताएंगे कौन कौन से पौधे हैं और आपको देखने में भी बहुत मजा आने वाला है। चलो मिलवाती हूँ मैं उनसे। हमने छोटे छोटे गमलों में भी लगा रखा है पौधा। बिल्कुल इतने सेवा करते हैं, मेरी मम्मी, देवर, सब लोग सेवा करते हैं। देखो छोटे छोटे फ्लावर इसमें भी लगा रखा है। और वैसे ही रेनी सीजन है, बहुत अच्छा हो गया। ये बैगन का पेड़ है, ये है वो पारिजात, शेफाली फूल बोलते हैं इसको, शेफाली फूल। और ये है मिर्ची का पौधा, ये गुलाब है, और ये भी ये जौबा बोलते हैं इसको। ये रजनीगंधा का एक स्टिक निकला है। Nice. और ये एक साग है जो कड़वा होता है, इसको खाते हैं हम लोग, बहुत अच्छा होता है ये, टेस्टी कड़वा। तो कड़वे को कैसे खाते हो आप? कड़वा नहीं लगता मतलब? इसको फ्राई करके खा सकते हैं। अच्छा। और इसको ना रस बना के पीस के रस भी पीते हैं बच्चे। और इधर दिखाती हूँ सबसे पहले, इस तरह पपीते का पेड़ काफी बड़ा हो गया और उसके पास एक ये अमरूद का पेड़ है सबसे। उसके बाद यहाँ है रजनीगंधा, इसमें अभी स्टिक्स आएंगे। यहाँ पे एक स्टिक्स का निकला है, ये अभी आएगा ये। और ये जो पेड़ है ये है शरीफा, जो हम क्या बोलते हैं उसको, कस्टर्ड एप्पल, उसका पेड़ है ये। ये एक प्लांट है जो मेरे देवर बहुत दूर से लेके आए थे। तो ये देखो इसका फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये वाइट ज़्यादातर दिखता है बट ये है डार्क रेड में रूम। उसके बाद ये सारे फ्लावर प्लांट्स हैं, जौबा, इधर भी ये जौबा है, ये काफ़ी बड़ा पेड़ है। और आगे दिखाते हैं, ये भी वही पारिजात का प्लांट है। बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये पूरे साल में सिर्फ दो बार आते हैं। एक बार आता है वैसे जब दुर्गा माँ की पूजा होती है, उस टाइम का फ्लावर आते हैं। और ये है नीलकंठ, देखो ये फ्लावर कितने अच्छे लगेंगे आपको, ऐसे ही होते हैं ये, इसको नीलकंठ बोलते हैं, अपराजिता भी बोलते हैं इसको। इधर है गेंदे का, ये तुलसी, इधर ये अशोक प्लांट, क्या बोलते हैं आप लोग, अशोक ना, अशोक, अशोक की। उसके बाद है ये पुई सक का वो है डाल, देखो नाइस, ये सारा पुई है जो तो सारा खाना इन्होंने यही लगा रखा है। हाँ, यही बना ये तो पांच छह तरीके के साग ही मिल जाएंगे। ये है लेमन ग्रास जो चाय में डालती है और भी खाने में डलता है, बिरयानी वगैरह उसमें भी डलती है। अरे वाह। हाँ, इसके लीव्स, इसमें लेमन सा स्मेल है, पूरा फ्लेवर कर देता है हर खाने में। और ये है जौबा, ये भी जौबा है बट ना ये थोड़ा सा मोटे वाला है, इसकी काफ़ी सारी पंखुड़ियाँ हैं, अभी इसमें काफ़ी कलियाँ निकली हुई हैं, देखो छोटे छोटे बॉड्स हैं काफ़ी। और एक और दिखाती हूँ आपको, आई लव दिस फ्लावर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल येल्लो कलर, इसको भी जौबा बोलते हैं बट ये येल्लो कलर है, उसमें बीच में रेड है। और ये है हमारे में तो बोलते हैं बंगाली में माधोबी लता, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं ये प्लांट, यहाँ तो सब बेल ही बोलते हैं। हाँ, बेल जो भी है। अभी यहाँ पे देखो अरबी के पत्ते, ये अरबी का प्लांट है, ये पूरा अरबी है आगे पीछे। यहाँ चलई का साग लगा रखा है मम्मी ने, ये मम्मी ने हल्दी का लगाया तो हल्दी के पेड़ भी आ गए। ये नीचे दिखाना इधर, हाँ केले के पत्ते के जैसे होते हैं बट ये है हल्दी, कच्चा हल्दी। उसके पीछे पुदीने का पत्ता है सारा, ये पीछे धनिया भी लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, पुदीना ही ऐसे, धनिया नहीं। अच्छा, वो फ्लावर है, नवंबर में आते हैं वो फ्लावर। ये है कद्दू। हाँ, कद्दू का पेड़ है लेकिन हमारे बंगाली में उसको चाल कुमड़ो बोलते हैं, कद्दू का ही एक और पार्ट है टाइप्स। अच्छा तो ये नीचे मिट्टी में लगाया हुआ है तो वो पूरी बेल आके ऊपर तक आई है, इसलिए पापा जी ने क्या किया ना, इसको पूरा वुड से वो कर दिया ताकि अगर फल आए तो नीचे लटक जाए। ये भी फ्लावर प्लांट्स है सब। और ये गिलोय का प्लांट जो पूरी बेल छत तक जा रही है हमारी, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। हम लोग तो इसको काट के इसका पानी पीते हैं उबाल के, इसके डंडियां।
और ये तुलसी, हमारी तुलसी मैया, इधर हम यहाँ आते हैं पेड़ में पानी डालते हैं। और ये सारी, ये नीम का पेड़ भी आ गया, नीम का पेड़ भी काफी बड़ा हो चुका है। इधर है ये चमेली का फूल, इधर भी चमेली का फूल है, इसमें अभी फूल आए थे काफी, ये भी फूल आया अभी तो। ये कड़ी पत्ता भी है। हाँ, ये कड़ी पत्ता है जिसको मीठे नीम भी बोले जाते हैं, सुना है? मीठे नीम भी बोलते हैं कड़ी पत्ता, हम तो काफी सब्जियों में भी डालते हैं। और इधर दिखाते हैं, इधर सारा मनी प्लांट है, पूरे हरे हो रहे हैं, वैसे ही मौसम अच्छा हो रहा है, सब ग्रीन हो गया। यहाँ पे भी मनी प्लांट है, ये भी कड़ी पत्ता है, ये सजन की फली है, सबसे बड़ा पेड़ यहाँ पे ये नीचे से है, पूरा बहुत मोटा है, ये नीचे से लगाया है, इसमें काफी सारे वो आते हैं सजन की फली। आओ, ये है एक बेल का पेड़, जो बेल होते हैं, बेल पत्थर खाया होगा फ्रूट्स आप लोगों ने शायद, छोटा ही पौधा है फिलहाल। और ये भी एक गिलोय का है जो ग्रीन से एकदम जा रही है आगे तक। और ये जो पेड़ है, ये सारी छोटे छोटे ये वाले हैं, ये बैंगन के हैं। हाँ, नाइस। और ये जो सबसे बड़ा है ये वाला, इसमें कांटे भी हैं छोटे छोटे, नींबू। हाँ, ये नींबू नहीं है, नींबू के जो वो क्या बोलते हैं, मौसमी नहीं, जो एक वो बड़ा सा फल नहीं होता है जो छठ के टाइम आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे में बाता भी लेबू बोलते हैं। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हो आप लोग, बाता भी लेबू गाछ। अच्छा, मतलब गाइस चारों तरफ इन्होंने मेंटेन कर रखा है, सब जगह पौधे ही पौधे। कहीं भी देखोगे कुछ भी जगह छोड़ के नहीं रखी, इधर भी प्लांट है बस, मतलब लास्ट में, ये लास्ट भी कवर कर लिया, वो देखो ऊपर तक। नाइस, बहुत अच्छा लगा। कैसे मेंटेन करते हो? अरे मम्मी सबसे ज्यादा मेहनत करती है, और देवर बच्चा सारा दिन पेड़ पौधों में कटिंग करते हैं, पानी डालते हैं अच्छे से, और मीठा पानी डालते हैं, खारा पानी डालते हैं। अरे वाह,